मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को SGRRPG कॉलेज पथरीबाग देहरादून में कौशल विकास साथी सेवा योजन विभाग के आयोजित वृहद रोजगार मेले का शुभारंभ किया, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस रोजगार मेले में लगभग 70 कंपनियां 4500 युवाओं को रोजगार देंगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के युवा परिश्रमी और ईमानदार हैं, युवाओं के कौशल विकास पर ध्यान देने की जरूरत है और इसी उद्देश्य से राज्य जनपद और तहसील स्तर पर रोजगार मेले का आयोजित किया जा रहा है और इन रोजगार मेलों में कंपनियां युवाओं को साक्षात्कार कर उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी देने जा रही है। वह उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्किल इंडिया का जो सपना है उस दिशा में हमें तेजी से आगे बढ़ना है। पटेल नगर में कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग की तरफ से रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। शुभारंभ के मौके पर सीएम समेत श्रम सेवा योजन और कौशल विकास मंत्री डॉक्टर हरक सिंह, मेयर सुनील उनियाल गामा, विनोद चमोली मौजूद रहे। बता दें, ये मेला देहरादून के SGRRPG कॉलेज में आयोजित किया गया। मेले के शुभारंभ पर बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के युवा परिश्रमी और ईमानदार हैं, युवाओं के कौशल विकास पर ध्यान देने की जरूरत है और सरकार की प्राथमिकता भी बेरोजगारों को रोजगार देना है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो बेरोजगार युवक हैं वो रोजगार की तलाश में यहाँ पर आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ एक तरफ कंपनियों को एक साथ हजारों नौजवानों में से चयन करने का मौका मिलेगा, वहीं हमारे नौजवानों के पास भी अनेक विकल्प, 67 कंपनियां यहां पर आई हैं, किसी के पास 2 विकल्प होंगे, किसी के पास 5 विकल्प होंगे, किसी के पास 10 विकल्प होंगे, तो ऐसे विकल्प आज उनके पास हैं, वो भी अपनी च्वाइस से कंपनी चयन कर सकते हैं और कंपनियाँ भी अपनी च्वाइस से अपने लिए जो उनको कर्मचारी चाहिए वो उनको मिल सकेंगे। वहीं कौशल विकास एवं सेवा योजन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि जिला और तहसील स्तर पर भी रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। कंपनियां अब तक आई हैं और लगभग इन्होंने जो वैकेंसी हमको बताई, देखिए कि लगभग 4500 के आसपास वैकेंसियां इन 67 कंपनियों ने हमको बताई हैं और लगभग 8-10 हज़ार नौजवान अभी लगातार रजिस्ट्रेशन चल रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस मेले में पूरे दिन भर लगभग 8 हज़ार से अधिक बेरोजगार नौजवान इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेगा। पीएम मोदी का स्किल इंडिया का जो सपना है उस दिशा में त्रिवेंद्र सरकार तेजी से आगे बढ़ने का लक्ष्य लेकर चल रही है। यही वजह है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उत्तराखंड में कई प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं, जिससे युवा जागरूक हो सके। देहरादून से पंकज पवार की रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।